आपकी लोड कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा इसको टिल्ट करके टैंक को बंद करना है। देन अगेन जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, अब इस समय न्यू ट्यूब मेरा अवेलेबल नहीं है, लाइक आपको वैसे अपनी ट्यूब डालनी है इसमें। तो मैं इसी से आपको डिमोस्ट्रेट कर देता हूँ, यार उल्टी डाल दी। ट्यूब में वहाँ पे ट्यूब में जीरो वाली साइड होगी, इसको आपने नीचे रखना है। मैंने इसमें मार्किंग्स को थोड़ा देख लेना कि जो आपकी मार्किंग्स हैं ये ठीक आ जाएं। और ट्यूब का अपर एंड, और जो ये ट्यूब का अपर एंड है इसको इंश्योर करना है कि जो ये ऊपर ये बना है ये इसके लिए स्लॉट इसके अंदर फिट हो जाएगी। ऊपर जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में दिखाया था कि अंदर स्प्रिंग मैकेनिज्म होता है जो कि इसको ऊपर से सील करके रखता है। तो इसको आप करेंगे ऐसे, अंदर नीचे से जब आपको करना है तो लाइक दैट इसमें आपको ट्यूबिंग को डालना है। तो ट्यूब को उठा के इसमें डाल के थोड़ा सा आपको अपवर्ड प्रेस करना पड़ेगा ताकि जो ऊपर स्प्रिंग है वो उसके लॉक हो जाए, लाइक दैट। और ये अपने स्क्रूज इसमें डाल के इनको टाइट कर लीजिए। और देन ट्यूबिंग को कनेक्ट कर दीजिए और एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि जो ऊपर से ट्यूबिंग है ये इसी के अंदर है। इसको आप हिला के देख लेंगे आपको फील हो जाएगा कि ऊपर से सील है नीचे से सील है। देन आप इसको टैंक को ओपन कर सकते हैं सेफली और आप अपरेटस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात दोबारा कहना चाहूँगा कि जब भी इसको क्लोज करें तो इंश्योर करें कि आप टैंक को थोड़ा सा टिल्ट करके इसको बंद कर दें ताकि जो अगर इनकेस आपकी ट्यूब टूट भी जाए तो आपको ज़्यादा लॉस ना हो। 50-100 रुपीज़ में आपकी ट्यूब डल जाएगी, लेकिन अगर मर्करी लीक होगी तो आपको 1000 रुपीज़ तक खर्चा करना पड़ सकता है। सो थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट।